How about Iyer today? Iyer was batting amazing today. Moin, he was fantastic. जी बिल्कुल, एक प्रेशर तो आया था 10 ओवर्स में, जब 91 रन हुए, दो विकेटें गिरी हैं वहाँ पे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर. यू नो, पिच इतनी ईजी नहीं थी एज वसीम भाई मैंशन, कि वहाँ पर एक बिल्डअप करनी थी पार्टनरशिप, और एट दी एंड हमने देखा कि ये बिल्ड हुई पार्टनरशिप, जस्ट कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं, कोई ऐसा अननेसेसरी कोई हिट नहीं मारी है. टर्न बहुत हो रहा था बॉल बीच में, जब केशव महाराज बॉल करने आए थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते, बट उनके अगेंस्ट जिस तरह खेली है, बैटिंग की है, लाइक बिल्कुल विद द स्पिन ऑन द पिच पे जाके बॉल की डाउन द विकेट भी निकल के एक दो शॉट्स मारे, लेकिन कहीं भी कोई रैश शॉट. एक इनिंग के अंदर विराट को एक चांस ज़रूर मिला था, लेकिन शिराज ने नेचुरली प्रेशर नहीं आने दिया उनके ऊपर बिल्कुल, बिकॉज दूसरे एंड से टोटली बाउंड्रीज मिल रही थी, तो प्रेशर भी रिलीज हो रहा था साथ साथ. आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, स्पेशली इस थर्ड विकेट जो पार्टनरशिप हुई है, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप. इस अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना चार नंबर पे रखा हुआ है. वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छिक्का मार लेते हैं. ही इज़ वन ऑफ देम. और केएल राहुल स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स, बट ही वॉज इंजर्ड श्रेयस अय्यर, लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे. अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो उस चीज, वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे. शमसी की बॉलिंग आपने देखा है जो शॉर्ट अय्यर की बात करो, कि वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया है उन्होंने डॉप के ऊपर से आराम से मारा, और जो नॉर्मल बॉल अंदर आया वो बड़े मजे से स्केयर लेग पे सिंगल, सो ही वाज जस्ट पिकिंग हिम एवरी बॉल.